नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कोरल ड्रॉ के अंदर किस तरीके से इरेजर टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब इरेजर टूल के अंदर आप देखेंगे आपके सामने यहां पर चार टूल्स हैं, तो एक एक करके हम इन सभी का यूज़ समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप टूल की। क्रॉप टूल को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर लेते हैं। इस रेक्टेंगल को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम कोई भी इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं। कलर फिल करने के बाद मान लीजिए कुछ एरिया मुझे इसमें से क्रॉप करना है यानी काटना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्रॉप टूल का। क्रॉप टूल को लेने के बाद यहाँ से आपको कुछ पार्ट सेलेक्ट करना है, जितना पार्ट आप रखना चाहते हैं उतना पार्ट यहाँ पर आपको इस रेक्टेंगल के अंदर रखना है, और बाकी का पार्ट आपको नहीं चाहिए तो उसको आप बाहर रखेंगे। और यहाँ से जैसे क्रॉप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो बाकी का पार्ट जो भी था वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रॉप टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई देगा क्लियर का। क्लियर यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने इसको इतना एरिया पार्ट सेलेक्ट किया, पार्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आप चाहते हैं कि भाई आप इसे क्रॉप नहीं करना चाहते हैं, तो आप जैसे क्लियर वाले पार्ट पर क्लिक करेंगे, क्लियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपका ये जो सिलेक्शन हमने कर रखा है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रॉप टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारा नाइफ टूल। नाइफ टूल को यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं आप लोग, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली एक फ्रेशली रेक्टेंगल को वापस से क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम नाइफ टूल को सिलेक्ट करते हैं। नाइफ टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मान लीजिए हमने किसी एक कॉर्नर को यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करके रखना है आपको और इस तरीके से लाइंस को खींच कर लाना है, और खींच कर लाने के बाद यहाँ पर आपको दूसरे कॉर्नर पर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्शन टूल लेना है, और यहाँ से जैसे आप इस पार्ट को हटाएंगे तो आप देखेंगे आपका ये एरिया अलग हो जाएगा और ये वाला एरिया आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी एक शेप के दो टुकड़े कर सकते हैं, दो पार्ट में आप उसे डिवाइड कर सकते हैं नाइफ टूल की मदद से। इसके बाद का जो नेक्स्ट टूल आपको दिखाई देगा वो विचुअल सेगमेंट डिलीट टूल का ऑप्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जिस भी एंगल को आप यानी जिस भी शेप को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे वो शेप आपकी गायब हो जाएगी। मान लीजिए आपने बहुत सारे एंगल्स यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं और उसमें से किसी एक पार्ट को आपको डिलीट करना है, तो आप सिंपली इस टूल का यूज़ करके उस पार्ट को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वो एरिया आपका उतना पार्ट डिलीट हो जाएगा। जैसे ये देखिए, अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो इतने इस पार्ट को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये देखिए इतना पार्ट सिर्फ डिलीट हो गया, बाकी का एंगल आपका वैसे का वैसे ही है। अगर आप इस वाले पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो उस वाले पार्ट को सिलेक्ट करिए, आप देखिए ये वाला पार्ट हमारा डिलीट हो गया और बाकी का एंगल हमारा बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। तो इस तरीके से आप इस टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इरेजर की। इरेजर किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो इरेजर को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप पॉइंट्स के साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस टूल को उस टूल पर आकर क्लिक करना है, उस एंगल पर आपको क्लिक करना है जिसको आप इरेज करना चाहते हैं। तो हमने मान लीजिए इस रेक्टेंगल पर एक बार क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे ये सिलेक्शन में आ गया हमारे, और उसके बाद अपने माउस से दबा करके क्लिक को ऐसे जैसे ही ड्रॉ करेंगे इरेजर टाइप, तो ये देखिए वो एंगल हमारा डिलीट होता चला जाएगा। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ तो ये भी इरेज हमारा नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने सिलेक्शन अभी इस वाले ऑब्जेक्ट को कर रखा है। इस वाले ऑब्जेक्ट को अगर हमें इरेज करना है तो हमें यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा, क्लिक करते ही एंगल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप इस तरीके से इसको इरेज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से इरेज कर सकते हैं, यानी जितना एरिया आप इरेज करना चाहेंगे उतना ही पार्ट आपका इरेज होगा। किसी और ऑब्जेक्ट को अगर आप इरेज करने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए वो इरेज नहीं हो रहा क्योंकि वो सिलेक्ट अभी नहीं है। जिस भी एंगल को आपको इरेज करना है उस पर एक बार आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप उसको इरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टूल्स, जो कि हमारे क्रॉप टूल के काफ़ी सारे टूल्स थे यानी इसके सब टूल्स थे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।